नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत अब वो भारत नहीं जो अपने कदमों को पीछे खींच ले। ये 2020 का भारत है जो अपनी बातों पर डटा रहता है, जो अपनी जमीन पर किसी बाहरी का दखल बर्दाश्त नहीं करता। तभी तो जब पाकिस्तान ने नजर डाली हम पर तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे जवाब दे दिया। अब बारी धोखेबाज चीन की। अब जब हिंदुस्तान ने गलवान में चीन के जवानों पर गर्दन तोड़ प्रहार किया तो चीन भी सदमे में। अभी तो चीन के आर्थिक बहिष्कार की हिंदुस्तान ने शुरुआत भर की। चीन अभी से डरा हुआ दिख रहा है और रूस से ये कहा कि वो भारत को हथियार न बेचे। चीन को भी पता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे पर भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम सुखोई 30 MKI MiG-29 की जल्द डिलीवरी देने पर सहमति बन सकती। यही चीन के डर की वजह है, क्योंकि अब बदले हुए हालात में भारत इनकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहता है। इस डिफेंस सिस्टम के मिलने से भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी हर तरफ से चीन को घेरा जा चुका है और अब चीन भी ये समझ चुका है कि इस बार उसकी टक्कर 2020 के भारत से है, जो ना तो किसी के दबाव के आगे झुकता है बल्कि हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देकर दुश्मनों को झुकाने का मादा रखता है। अब आपको S-400 की खासियत के बारे में बताते हैं। S-400 को जमीन पर तैनात एक ऐसी आर्मी भी कह सकते हैं जो पलक झपकते ही सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में दुश्मनों की कब्र खोद सकती है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 3 तरह के अलग अलग मिसाइल दाग सकता है। ये दुश्मनों के फाइटर प्लेन ड्रोन मिसाइल का पीछा करता है। इसके रडार में आने के बाद दुश्मन का बचना नामुमकिन। S-400 के हमले के सामने भागना तो दूर, संभलना भी मुश्किल। इसमें मिसाइल दागने की क्षमता पहले से 2.5 गुना ज्यादा है। S-400 से एक साथ 36 जगहों पर निशाना लगाया जा सकता है। ये बैलिस्टिक और क्रूज दोनों मिसाइलों को बीच में ही तबाह कर देगा। S-400 रोड मोबाइल है और सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैनात हो सकता है। इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसे नेवी के मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम के इन्हीं खासियतों की वजह से चीन की परेशानी बढ़ गई। चीन डरा हुआ है कि अगर रूस ने भारत को ये हथियार दे दिए तो 2020 का भारत चीन को छोड़ने वाला नहीं।